नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन अभी बोला में एक कैमियो रोल में नजर आए थे क्लाइमेक्स में। छोटा सा रोल था लेकिन बोला टू कंफर्म हो गई है, तो जबरदस्त रोल में धमाल करते हुए नजर आएंगे अब की बार अजय देवगन के साथ। बहुत ही जबरदस्त विलन के रोल में नजर आने वाले, बोला टू कन्फर्म है, आने वाली है बोला टू। इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोला का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो 103 करोड़ से ज्यादा जा चुका था जब मैंने ये वीडियो बनाया है, तो मजा आएगा उस फिल्म में। लेकिन इस समय अभिषेक बच्चन क्या कर रहे हैं इसके बारे में लगातार आप लोग पूछते रहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय अभिषेक बच्चन ऊटी में फिल्म डांसिंग डैड की शूटिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पहले मैंने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी कि रेमो डिसूजा एक फिल्म बनाने वाले हैं डांसिंग डैड, जिसमें पहले सलमान खान को साइन किया गया था, लेकिन बाद में दोस्तों सलमान खान ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। शायद अन्य प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए या और कोई बात होगी। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, एक ऐसे पिता की कहानी है जिसको डांस नहीं आता है, लेकिन उसकी बच्ची, उसकी बेटी चाहती है कि उसके पिता को डांस आए, बच्चे बड़े वो डांसिंग स्टार बने। तो किस प्रकार अपने बेटे की खुशी के लिए, बेटी को खुश करने के लिए उसके पिता डांस सीखते हैं, इस पर आधारित ये फिल्म का प्लॉट है। तो अभिषेक बच्चन का एक अलग तरह का अंदाज आपको देखने को मिलने वाला है, और फिल्म की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। फाइनली ऊटी में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। साथ ही फिल्म के जो लीडिंग जो एक्ट्रेस होगी उसका भी नाम भी फाइनल कर दिया गया है, नोरा फतेही अभिषेक बच्चन के साथ इसमें मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। तो इस फिल्म को एक बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है वो प्रोड्यूस कर रहा है और इसे कहा जा रहा है, अभी तक यही रिपोर्ट है कि इसको डायरेक्ट OTT पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन चूंकि फिल्म बहुत बड़ी होने वाली है, रेमो डिसूजा इससे पहले स्ट्रीट डांसर 3D भी बना चुके हैं और काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफर होने के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर भी माने जाते हैं, तो मज़ा जरूर आने वाला है इस फिल्म में। एक अलग रोल में आपको अभिषेक बच्चन नजर आने वाले हैं। अब अच्छा तो ये होता है कि ये फिल्म भी थिएटर्स में आती, लेकिन ठीक है अगर OTT भी आती है तो भी मज़ा जरूर इस फिल्म में आने वाला है। स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में इस फिल्म को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आपके लिए जानकारी है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, अभिषेक बच्चन और नोरा फतेही फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। फिल्म की बाकी स्टार कास्ट क्या इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है, जैसे ही मेरे पास अपडेट्स आते हैं मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। अब बाकी फिल्में अभिषेक बच्चन की घूमर कब रिलीज होगी, कैडी कब आएगी, उनके बारे में भी जैसे अपडेट्स आते हैं मैं आपको लगातार देता रहूँगा। आप बार बार पूछते रहते हैं कैडी का क्या हुआ, घूमर का क्या हुआ, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको लगातार दूंगा। फिलहाल इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।